मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड वो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक दिख रहा होगा कि 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर 67 बीपीएससी, मात्र 15 दिनों में। दोस्तों, मैं बैठा हूँ आपके साथ, मात्र 15 दिनों में। आज से भी अगर आप जोड़िए, आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख से 15 तारीख मान करके चलिए 30 तारीख तक आपका सारा बीपीएससी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कल से क्या करना है, किस तरह से चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आइए इस पर एक बार बात करते हैं। 15 डेज का अपना स्ट्रैटेजी, और ये बहुत ही छोटा कोर्स है, और आप लोगों को पता होगा कि मैं जितने भी कोर्स करवाता हूँ वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन में मैं नहीं समझता दोस्तों कि पैसे लगने भी चाहिए। जिस हिसाब से अब 15 दिनों में आपको क्या करना है, जल्दी से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो 15 दिन में सबसे पहले तो आप लोगों को बिहार का मेरा बीपीएससी का आज से ही एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को 5 दिनों में ये वीडियो भी देख लेना है, मेरी वीडियो छोटी छोटी आती है दोस्तों, तो इतने टेंशन वाली बात नहीं। इसके साथ ही वीडियो और प्लस में जितने भी क्वेश्चन सेगमेंट अगर मैं ले करके आता हूँ बिहार का, वो सब देख जाना है। बीपीएससी का मात्र एक आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, सूरज आनंद। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो 5 दिनों में आप लोगों को बिहार सेंट्रिक, बिहार स्पेशल जितनी भी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इसी के बाद अगले 5 दिन में क्या करना है, अगले 5 दिन में आप लोगों को करेंट अफेयर क्या, जो मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाना है, और SPD किताब से मैंने जितनी भी सारी चीज़ें करवाई हैं उन सबको देख जाना है। ये 2 हो गया। अब इसमें होगा क्या, आपका 30 नंबर यहाँ से उठ गया, 30 नंबर यहाँ से उठ गया, अब 60 नंबर आ गया है। अब हमें क्या करना है, कट ऑफ के लिए अगर मान करके चलिए 110 का भी टारगेट ले करके चलते हैं। अब उसके बाद अगले पाँच दिन में आप लोगों को मेरी एक और घटना चक्र का एक सेशन आने वाला है, इंग्लिश में जो घटना चक्र है। दोस्तों, अक्सर मैंने ये यूट्यूब पे देखा है कि लोग हिंदी में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में घटना चक्र किसी के पास नहीं है, बट मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो ये 5 दिनों में घटना चक्र आप लोगों को करना है, किसके किसके करने हैं, साइंस का करना है और हिस्ट्री का करना है। 5 दिन में एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ, 5 दिन आपका बीपीएससी में लगेगा, 5 दिन करंट अफेयर में लगेगा और 5 दिन घटना चक्र में लगेगा। तो ये 15 दिन का जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रैपिड बूम चैनल पर आइए और सारी चीज़ें फ्री में लेकर के जाइए। अब क्या करना है, पेपर 8 तारीख को है, और अब 30 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में हम लोगों को क्या करना है, एक बार ज़रा नज़र देखिए। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि तैयारी यहीं पर ही ना रोकी जाए, और ये सब होने के बाद में, घटना चक्र सेशन आने के बाद में, मैं टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जाने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कैसे होगी, मैं 5 मैक्सिमम 5 आप लोगों को फुल यूनिट, जो बीपीएससी के जितने भी अब तक पेपर रहे हैं 5 सेट हो गया, उनको मैं एक एक करके करवाता रहूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को नॉलेज तो है ही, और अब वो जो नॉलेज है वो पॉलिश हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। घटना चक्र करने के बाद में आपका 80% डाउट सॉल्व हो जाएगा, और अब क्वेश्चंस करने के बाद में आप 100% श्योर हो जाएंगे कि मुझे पेपर देने जाना है। 15 दिन का स्ट्रैटेजी मैंने क्यों बनाया है, तो ज़रा ध्यान देते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले मैंने बिहार सेंट्रिक की चीज़ों को डाला है, 30 नंबर एक आइडिया मान करके चलिए, फिर करंट अफेयर की चीज़ें हैं, 30 नंबर यहाँ से उठ करके आ गया। अब इसके बाद हिस्ट्री से दोस्तों 40 नंबर का जो आंकड़ा है ये पार होता है, और साइंस से देखिए दोस्तों, तो साइंस से भी लगभग लगभग 30 नंबर की चीज़ें आती हैं। तो अगर आप गिनती भी करते हैं दोस्तों, तो कट ऑफ हमारा पार हो गया, मतलब 67 बीपीएससी हमारा क्लियर हो गया। फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, ऑप्शनल में जो मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, उसको भी फ्री में सारी चीज़ें करवाऊँगा। बस आप लोग बने रहिएगा, चीज़ों को आराम से ले करके जाइएगा। अगर आप इन चारों टॉपिक पर भी अगर सबसे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो 100 नंबर 130 नंबर यहाँ से उठ करके आता है, और हमने 110 का कट ऑफ ले करके चल रहे थे, मतलब 110 हमें स्कोर करना है। इस हिसाब से 130 नंबर का भी टारगेट अगर आप करते हैं, तो दोस्तों ये कट ऑफ पार है। तो चलिए दोस्तों,
इसी के साथ ही मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को आराम से देखते जाइए, ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचाते जाइए, फ्री में सारी चीज़ें हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं BPSC के सेंट्रिक में जितनी भी बेस्ट किताब है वो लेकर के आता हूँ। चाहे जैसे मैंने बजट पर आस्था IAS को लेकर के आया, और उसी के साथ ही बिहार स्पेशल पर मैंने दृष्टि IAS की किताब को लेकर के आया, इसी के साथ ही SPD को भी देखा है, इसी के साथ ही घटना चक्र को भी देखा है। तो ये बेसिकली यही सारी किताबें हैं जो मैं मेरे चैनल पर करवाता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ पैसों दो तो कोर्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और मेरा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है इसको खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।